हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज है संडे, तो संडे पर बच्चों की फरमाइश थी ब्रेड पकौड़ा। बट वो ब्रेड पकौड़ा खाने का मन तो करता है ना, बट प्रॉब्लम ये है कि ब्रेड पकौड़े में ना ऑयल बहुत होता है। तो इसके लिए मैंने एक बहुत अच्छा सा सब्स्टिट्यूट ढूंढा कि मैं फ्राइड तो बिल्कुल नहीं करने वाली, तवे में बनाऊंगी आज इन ब्रेड पकौड़े को। और बहुत ही क्रिस्पी, बहुत बढ़िया बनते हैं। इससे पहले भी मैं 2-3 बार इस तरह से बना चुकी हूँ। आलू को मैंने बॉयल कर लिया है। आलू को बॉयल करके लोहे की कढ़ाई ली, आप कोई भी कढ़ाई ले सकते हैं। थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा ऑयल डालेगा, हमें ज़्यादा ऑयली कुछ नहीं बनाना है। हेल्दी खाने में विश्वास रखिए, हेल्दी खाना ही अच्छा होता है हमारे लिए, ऑयली फूड बहुत अच्छा नहीं होता है। उस कढ़ाई में थोड़ा सा हींग डाली, थोड़ा जीरा डाला, उसके बाद मैंने हरी मिर्चें 2-3 बड़ी तेज वाली थी उसको काट के डाल दिया। लाल मिर्च का मैं बिल्कुल यूज़ नहीं करूँगी, गर्मियाँ हैं, जितना अवॉइड करें हम इन सब चीज़ों को उतना अच्छा है। आलू मैश करके डाल दिया, हरा धनिया डाल दिया, हरी मिर्च जा चुकी है। अब इसमें जाएगा स्वाद अनुसार नमक, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून जाएगा इसमें मेरा मिक्स गरम मसाला और सब्ज़ी मसाला, दोनों को मिक्स करके रखा है, ये वो जा रहा है। और कोई भी इसमें फालतू का मसाला बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, और 1 टीस्पून इसमें मैंने डाला है अमचूर पाउडर, उससे थोड़ा सा खटास आती है जो कि बहुत अच्छी लगती है। बहुत अच्छे से हम इसको मसाले को मिक्स कर लेंगे। मसाले को मिक्स करते टाइम हमने ये ध्यान रखना है कि जब हम ये आलू का मसाला बनाएंगे ना, बस अगर आपके आलू को आपने मैश बहुत अच्छी तरह से किया है तो आपका ब्रेड पकौड़ा कभी भी बहुत ज़्यादा टूटेगा नहीं बेसन में डालने के बाद, और बहुत ही इजीली और बहुत ही परफेक्ट बनेंगे। अगर आपका आलू मैश नहीं है, आलू का मैश है, आपका मसाला अच्छा नहीं बना है, तो आपके ब्रेड पकौड़े भी ख़राब हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा ऑयल भी पी जाते हैं। तो आप इस केस में, अगर आपने मसाला बहुत अच्छे से बनाया है, तो आप इस केस में इसको फ्राइड करके भी बना सकते हैं, बट आई प्रेफर नॉन फ्राइड। तो दूसरी तरफ मैंने ले लिया है बेसन, अंदाजे से, हम इंडियन औरतें तो सब काम अंदाजे से ही करती हैं। एक चुटकी उसमें भी डाला है मैंने हींग, और थोड़ा सा डाला है नमक, और थोड़ा सा डाला है हल्दी पाउडर। इससे ज़्यादा कुछ नहीं डाल रही हूँ। नमक और हल्दी पाउडर हमने ध्यान से डालना है क्योंकि हमने आलू के मसाले में भी इसको यूज़ किया है, तो आपको बैलेंस करके डालनी है दोनों चीज़ें। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसका बैटर बनाएंगे। बैटर ना तो हमने एकदम पतला बनाना है, ना ही हमने एकदम गाढ़ा बनाना। बहुत गाढ़ा बनाएंगे तो वो गीला गीला रह जाएगा इसका मसाला, इसका जो बेसन होगा, और बहुत ही अगर पतला बना देंगे तो वो ब्रेड जो है वो तेल को पी जाएंगी, तो हमें दोनों ऐसा काम नहीं करना है। दूसरी तरफ मैंने तवे को गर्म कर लिया है, और पहले मैंने लगाया है इसमें नीचे से थोड़ा सा सॉस, टमाटो सॉस लगाया है। टमाटो सॉस को लगाने के बाद इसको अच्छे से फैला दूंगी, और फैलाने के बाद दूसरे वाले ब्रेड में भी लगा लूंगी। पहले ब्रेड में थोड़ी ज़्यादा लग गई थी ना, तो दूसरे में भी लगा ली। मसाला आपका अच्छा बनाए तो बस आप चम्मच से लीजिए और मसाले को बहुत अच्छे से दबा के हल्के हाथों से एकदम जेंटली कीजिएगा, स्प्रेड कर दीजिएगा, और ब्रेड में बहुत अच्छे से चिपक जाएगा। मेन काम होता है कि अगर आपका मसाला अच्छा बनाए तो वो चिपकना चाहिए आपके ब्रेड में। अगर वो नहीं चिपक रहा है, इसका मतलब आपके मसाला बनाने में कमी भी है और बहुत अच्छा नहीं बनाए। हमने एक दूसरे से ज्वाइन कर लिया, और बस अब मैं इसको इसमें बैटर में बीच में से पकड़ूंगी मैं ब्रेड को। अगर किनारों से पकड़ के हम करते हैं तो ब्रेड टूट जाती है। बीच में से पकड़ा, तवा मेरा गर्म हो चुका है, तवे में मैं थोड़ा सा ऑयल भी डाल चुकी हूँ उसको सेकने के लिए, बस रख दिया है। अब 3 से 4 मिनट एक साइड से लगेंगे, इसको लो फ्लेम कर रही हूँ ताकि बेसन जो है वो बहुत अच्छे से सिक भी जाए और उसमें कोई कमी ना रहे। किचन बहुत गंदा हो रहा है क्योंकि इससे पहले भी मैं, मेरे हस्बैंड जाने वाले थे, उनके लिए खाना बना के हट चुकी हूँ। ये हमारा ब्रेकफास्ट बन रहा है इसलिए। और बस अब हम इसको जब एक तरफ से सिक जाएगा 2-3 मिनट बाद, तो हम इसको बहुत आराम से सावधानी से पलटेंगे क्योंकि तवे में ऑयल है, एकदम से छींटा आ सकता है। गैस का फ्लेम लो रखिएगा। दूसरी साइड से भी हम सेक लेंगे। जब आप इसको देखेंगे ना, तो आप कहेंगे कि ब्रेड पकौड़ा बिना ऑयल के भी इस तरह से बन सकता है क्या? इतना टेस्टी, इतना क्रिस्पी होता है, खाने में भी टेस्टी होता है, और आप इसमें अपने हिसाब से टेस्ट को चेंज कर सकते हैं। आप जब ब्रेड में सॉस लगा रहे हैं, आप एक साइड पर हरी चटनी लगाइए, एक साइड पर सॉस लगाइए। आलू का मसाला आप मोटी लेयर भी भर सकते हैं इसमें। सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड है, आप सारे ऑल्ट्रेशन अपने हिसाब से कर सकते हैं। चिमटे से पकड़ के चारों तरफ से हम इसको बहुत अच्छे से तवे पर ही सेक लेंगे। हमारा क्रिस्पी सा ब्रेड पकौड़ा एकदम रेडी है, जो कि ऑयल नहीं है। ब्रेड पकौड़े में बहुत ऑयल होता है इसलिए मुझे डर लगता है उसे खाने से। इसको आप अपने बच्चों के स्कूल के टिफ़िन के लिए कभी भी बनाइए, घर पर बनाइए। अब तो वैसे भी बच्चों के स्कूल की छुट्टियां होने वाली हैं, नाना नानी के घर भी जाएंगे बच्चे, और आएंगे भी आपके यहाँ पर बुआ के बच्चे, तो बनाइए उनके लिए। गर्मियों में तो ऐसा है, बच्चे जब आते हैं ना छुट्टियों में, इधर उधर जाते आते हैं, और ख़ुद भी हमें जाने को मिलता है, तो मज़ा ही अलग आ जाता, दुगना मज़ा होता। तो हमारा ये ब्रेड पकौड़ा एकदम रेडी है, इंजॉय कीजिए। मैंने बहुत मोटी लेयर तो नहीं बनाई थी, आलू की लेयर मैंने बहुत मोटी नहीं लगाई थी, लेकिन बहुत अच्छे और बहुत ही टेस्टी ब्रेड पकौड़े बने। आप भी इस तरीके से बनाइएगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।